हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब, आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्ति तथा उपनाम। देखिए, आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि व्यक्तियों के उपनाम क्या है, यानी सरदार की उपाधि किनको दी गई, ब्लैक गांधी किसको कहा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नोटिफिकेशन होती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, व्यक्ति तथा उनके उपनाम। तो हमारा पहला प्रश्न है, कवि गुरु उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। श्री चंद्रशेखर रॉन्ग, दादाभाई नेहरूजी रॉन्ग, जमला लाल बजाज रॉन्ग। राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे गलत है, रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु, विश्व गुरु दोनों के नामों से जाना जाता है। तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बात करते हैं, चौधरी देवीलाल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बाबू गलत आंसर, देशबंधु गलत आंसर, पंजाब केसरी गलत आंसर। राइट आंसर है ताऊ। तो चौधरी देवीलाल को किस नाम से जाना जाता है? ताऊ के नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम क्या है? ताऊ नाम है। चलिए आगे बात करते हैं, सरदार उपनाम में से निम्न में से किसे जाना जाता है, यानी सरदार उपनाम किसके द्वारा यहाँ पे सम्मिलित किया गया, किसके नाम के आगे लगता है? तो लाला लाजपत राय रॉन्ग आंसर। सही आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। रॉन्ग आंसर है आपका भगत सिंह, श्री कृष्ण भी रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर है श्री, जो लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे वल्लभ भाई पटेल लगता है। और सरदार इनको किसने कहा? तो सरदार इनको बरदौली की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया था। चौथा प्रश्न है, भारत कोकिला उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? एनी बेसेंट रॉन्ग आंसर, मदर टेरेसा रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, कायदे आजम उपनाम में से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम उपनाम मोहम्मद बिन तुगलक रॉन्ग, खां अब्दुल गफ्फार खां रॉन्ग, शेख अब्दुल्ला रॉन्ग। राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, ब्लैक गांधी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, सातवां प्रश्न, पंजाब केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है, यानी कि पंजाब केसरी कहिए या लाला लाजपत राय कहिए, बात एक ही है। इनका ये नाम है लाला लाजपत राय का और इनका उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। चलिए आगे बात करते हैं, आठवां प्रश्न, जननायक उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है कर्पूरी ठाकुर को जननायक उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नौवां प्रश्न, लिटिल मास्टर उपनाम में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के उपनाम में से जाना जाता है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि सुनील गावस्कर किस खेल से संबंधित है। दसवां प्रश्न है, बिहार केसरी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के उपनाम में से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, सीमांत गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है खां अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। चलिए बारहवां प्रश्न है, फ्लाइंग सिख उपनाम किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम दिया गया है, इनका उपनाम क्या है? फ्लाइंग सिख। भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष उपनाम से जाना जाता है? तेरहवां प्रश्न है हमारा। तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए आगे बात करते हैं। 14वां प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारतीय मैकियावेली उपनाम में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है चाणक्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में कि भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, आप कुछ भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, 16वां प्रश्न है, शहीद-ए-आजम उपनाम किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है भगत सिंह को शहीद-ए-आजम उपनाम दिया गया है। 17वां प्रश्न है, तोता-ए-हिंद उपनाम किसे दिया गया है? तो अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद भी कहा जाता है, यानी कि तोता-ए-हिंद उपनाम अमीर खुसरो का है। चलिए आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न की, शेर ए कश्मीर उपनाम किसे दिया गया है? तो शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 19वां प्रश्न, हॉकी का जादूगर उपनाम किसे दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर उपनाम मेजर ध्यानचंद को दिया गया है। विद्रोही कवि, 20वां प्रश्न है हमारा, विद्रोही कवि उपनाम किसे दिया गया है? तो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 21वां प्रश्न, बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति उपनाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से। चलिए आगे बात करते हैं 22वां प्रश्न, युवा तुर्क उपनाम से किसे जाना जाता है? तो श्री चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क भी कहा जाता है, युवा तुर्क उपनाम दिया गया है श्री चंद्रशेखर आजाद को। चलिए आगे बात करते हैं 23वां प्रश्न है, चाचा उपनाम में से किसे संबोधित किया जाता है, यानी कि चाचा उपनाम किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 24वां प्रश्न है, माता वसंत उपनाम किसे कहा गया है? तो माता वसंत उपनाम दिया गया है एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को माता वसंत भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं 25वां, भारत का नेपोलियन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन उपनाम किसे दिया गया है? तो समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बंग बंधु उपनाम किसे दिया गया है, 26वां प्रश्न है, तो शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु उपनाम से संबोधित किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 27वां प्रश्न है, लोकमान्य उपनाम किसे दिया गया है? तो लोकमान्य उपनाम दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को, उनके नाम के आगे जुड़ता है लोकमान्य, जो पूरा नाम होता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए 28वें प्रश्न की बात करते हैं, अजात शत्रु उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से संबोधित किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है अजात शत्रु। कश्मीर का अकबर उपनाम किसे दिया गया है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे बात करते हैं 30वें प्रश्न की, लौह पुरुष उपनाम से किसे संबोधित किया गया है? तो लौह पुरुष उपनाम से वल्लभ भाई पटेल को संबोधित किया जाता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है और लौह पुरुष के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। निर्मल हृदय उपनाम से किसे संबोधित किया गया? तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय उपनाम दिया गया है। आगे बात करते हैं 32वां प्रश्न, स्पैरो उपनाम से किसे संबोधित किया गया है? स्पैरो उपनाम किसे दिया गया है? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो उपनाम दिया गया है। आगे बात करते हैं 33वां प्रश्न, देशबंधु उपनाम से किसे संबोधित किया गया है? तो चितरंजन दास को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देशबंधु उपनाम से चितरंजन दास को संबोधित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, स्वर कोकिला उपनाम किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देश रत्न उपनाम से किसे संबोधित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को, और अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, राइट आंसर है कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है।
चलिए आगे बात करते हैं, राष्ट्रपिता उपनाम से किसे संबोधित किया गया? ये तो इसका आंसर आप सब जानते होंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित भी किया जाता है। आगे बात करते हैं, बुद्ध उपनाम किसे दिया गया है? तो बुद्ध उपनाम सिद्धार्थ गौतम को दिया गया है, सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहा जाता है। पयोली एक्सप्रेस उपनाम से किसे संबोधित किया गया है? तो पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस, और इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी संबोधित किया जाता है और इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, आंध्र केसरी उपनाम से किसे संबोधित किया गया है? तो टी प्रकाशन को आंध्र केसरी के उपनाम से संबोधित किया जाता है। चलिए हमारा 41वां प्रश्न है, गुरुदेव उपनाम से किसे संबोधित किया गया है? तो विश्व गुरु गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। आगे का प्रश्न है हमारा, नेताजी किसे कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका पूरा नाम लिया जाता है, तो नेताजी इनका उपनाम है। आगे बात करते हैं, लोकनायक किसे कहा जाता है? देखिए लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, लोकनायक उपनाम दिया गया है जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति स्टार्ट की थी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे बात करते हैं, राज्यश्री उपनाम किसे दिया गया है? तो राज्यश्री उपनाम दिया गया है पुरुषोत्तम दास टंडन को। 45वां प्रश्न है, महामना उपनाम किसे दिया गया है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना उपनाम दिया गया है, जो जुड़ के बनता है महामना मदन मोहन मालवीय। आगे बात करते हैं, फ्यूरर किसे उपनाम दिया गया है? तो एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर के उपनाम से भी जाना जाता है। गुजरात का जनक उपनाम किसे दिया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है, गुजरात का जनक उपनाम रविशंकर महाराज से संबोधित है। आगे बात करते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री उपनाम किसे दिया गया? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री उपनाम दिया गया है जॉयफ्री चासर को, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉयफ्री चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री उपनाम से संबोधित किया जाता है। दीन बंधु उपनाम किसे दिया गया है? तो दीन बंधु उपनाम दिया गया है सी एफ एंड्रूज को, दीन बंधु भी कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, विश्व कवि उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जितने 50 महत्वपूर्ण उपनाम थे वो सबके सब यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। अगर उपनाम से कोई भी प्रश्न बनता है तो यहाँ पे आपका नंबर नहीं चूकेगा, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, थैंक यू।